वर्ड वर्चुअल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर एंड्रॉयड फोन की बहुत बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं, जो काफी एंड्रॉयड यूजर ये प्रॉब्लम को लेकर के परेशान रहते हैं। और वो प्रॉब्लम क्या है, मोबाइल की बैटरी को लेकर के। दोस्तों आपको पता होगा कि अपने मोबाइल की बैटरी को 100% चार्जिंग कर देते हैं और चार्जिंग करने के बाद अपने फोन में कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते, कुछ भी यूज नहीं करते, ना गेम खेलते ना वीडियो देखते हैं, फिर भी आधे एक घंटे के बाद बैटरी जो है ना कभी 10% कम हो जाता है, कभी 20%, कभी 50%, कभी 60%, और आप काफी ज्यादा परेशान रहते कि ये कैसे हो गया। दोस्तों आप यदि आप ये चीज से परेशान हैं अपने मोबाइल की बैटरी को लेकर के, तो आज का ये 3 मिनट का वीडियो को जरूर ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर एक ऐसी कमाल की एप्लीकेशन बताया हूं और मोबाइल फोन की जो है एक ऐसी कमाल की सेटिंग बताया हूं। यदि दोस्तों ये दोनों चीज आप अपने फोन के अंदर कर लेते ना, तो सच में बता रहा कि 2 से लेकर 3 दिन तक अपने फोन की बैटरी को बड़ी आसानी से चला सकते हो। और ये मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं, और ये सेटिंग के बारे में 100% आप लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो सेटिंग है ना काफी खुफिया सेटिंग है और जो आप लोगों को कभी जिंदगी में नहीं पता होगा। यदि अपने फोन की बैटरी को 2 से लेकर 3 दिन तक चलाना चाहते हो ना, तो आज का इस वीडियो को ना थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं, वो भी मोबाइल की बैटरी बैकअप को लेकर के, जो आज तक आपको कोई भी YouTube के अंदर नहीं बताया होगा। यदि दोस्तों जानना चाहते हैं तो वीडियो को देखते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं कर लेता वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम सितारे और आप देख रहे होगा टोगा YouTube चैनल। दोस्तों यदि जानना चाहते हैं ना, तो उससे पहले क्या कीजिए, इस वीडियो को ना सबसे पहले कर देना होगा लाइक, जो बिल्कुल फ्री होता है। जी हाँ, सभी को लाइक करना, सपोर्ट करना इस वीडियो को, और चैनल कर लेना होगा सब्सक्राइब और लाल वाला बटन क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड कर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और शेयर वाला बटन को क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, फेसबुक ग्रुप के अंदर शेयर करें। और दोस्तों नीचे जाएंगे ना, तो नीचे जाने के बाद एक कॉमेंट करना होगा, यहाँ पे आपको बैटरी लिख करके सेंड कर दीजिए, बस कॉमेंट को आपको इतना कर देना होगा। तो बस ये छोटी सी काम करने के बाद आपको सबसे पहले जो है ना आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, जो मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक मिल जाएगा, वहां से इंस्टॉल कर लेना होगा। तो जैसे इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना होगा कि इस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल करना है। दोस्तों ये एप्लीकेशन का क्या काम है और वो फोन के अंदर कहां पे मिलेगा सेटिंग, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों आपको पता होगा कि आपका जो सिस्टम एप्लीकेशन है नहीं भी यूज करेंगे ना, तो फिर भी बैकग्राउंड में घुमा फिरा के चलता रहेगा, और एक ही एप्लीकेशन सिस्टम वाला जो है ना 20% 30% 40% बैटरी को खत्म करेगा, नहीं फोन को यूज करेंगे ना फिर भी बैटरी बैकग्राउंड में चलेगा और काफी ज्यादा रन करके काफी ज्यादा बैटरी को खाता है। तो वो चीज आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये वाला जो बीच वाला बटन को क्लिक करना है और ये जो सेटिंग कर लेना होगा। तो चलिए मैं सेटिंग कर लेता हूं, यानी कि परमिशन दे देता हूं। तो ये रहा परमिशन, ठीक है। और परमिशन देने के बाद जो सिस्टम ऐप है ना, तो इसको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करने के बाद वाला बटन पे क्लिक करना होगा, जैसे क्लिक करने प्ले वाला बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके फोन में जितनी भी सिस्टम एप्लीकेशन है ना यहाँ पे क्लोज हो जाएगा और आपका बैटरी जो है ना 100% 1 से लेकर 2 दिन तक आप बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस होने में काफी वक्त लग सकता है, तो इसको जो है ना आपको 1 या 2 मिनट मोबाइल को छोड़ देना होगा प्रोसेस होने में। जी हाँ, उसके चले मैं आपको बता देता हूँ सेटिंग के बारे में। जी हाँ, तो तब तक यहाँ पे होने देते हैं, तक मैं आपको सेटिंग को लेके जाता हूं। सेटिंग में जाएंगे ना, तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहां पे अवार्ड सेटिंग मिल जाएगा। अवार्ड सेटिंग मिलने के बाद आपको बिल्ट नंबर होगा, तो यहां पे बिल्ट नंबर को 7 बार दबाना होगा। तो चलिए मैं 7 बार दबा देता हूं। तो जैसे मैंने 7 बार दबाया, और 7 बार दबाने के बाद एक सेटिंग ओपन होगा जिसका नाम है डबल पर ऑप्शन। तो किसी फोन के अंदर एडेंटल सेटिंग के अंदर, एक्सेबिलिटी सेटिंग के अंदर, या किसी फोन में बाहर में मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं कि मैं जाता हूं, यहां पे देख सकते हैं कि मैंने डबल पर ऑप्शन पर क्लिक करता हूं, और जैसे डबल पर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा। तो सबसे पहले ऊपर में अनेबल करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है। तो जैसे नीचे जाने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट होगा, इसको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नो बैकग्राउंड प्रोसेस पे क्लिक कर देना होगा। इससे क्या होगा कि आप जो भी डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशन को यूज करते, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी एप्लीकेशन यूज करते ना, तो बैकग्राउंड से आप यहाँ से रिमूव भी कर देते। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से रिमूव कर देता, तो आपको क्या लगता है कि बैकग्राउंड से रिमूव हुआ है? नहीं, बिल्कुल गलत है, वो बैकग्राउंड में चलता ही रहता है जो एप्लीकेशन डे टू डे यूज करते हैं। जी हाँ, तभी तो नोटिफिकेशन आता है, बैकग्राउंड में चलेगा तभी नोटिफिकेशन आएगा। यदि आप चाहते हैं कि आप जब भी एप्लीकेशन को यूज करें तभी वो एप्लीकेशन बैटरी ले,
उसके बाद करने के बाद ना ले तो आपको यहाँ पे जो है ना नो बैकग्राउंड प्रोसेस पे क्लिक करना होगा और वो क्या होगा कि बैकग्राउंड एप्लीकेशन नहीं चलेगा। जी हाँ, तो सिस्टम एप्लीकेशन उससे आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और आप जो भी डे टू डे एप्लीकेशन यूज करते हैं तो सेटिंग कर लेना होगा। तो बस दो सेटिंग कर देना, आपका काम हो चुका और आपका बैटरी एक से लेकर दो दिन तक आप बड़ी आसानी से यूज कर सकते जो आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज का वीडियो काफी दमदार और काफी कमाल के लगा होगा। इसी बात पर लाइक कीजिएगा और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए। यदि आप सबसे पहले देखना चाहते हैं तो ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कितना यूजफुल लगा, कमेंट करके जरूर फीडबैक दे और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फेसबुक के फ्रेंड के पास कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।